सही मायने में ग्रास रूट डेमोक्रेसी और ग्रास रूट डेवलपमेंट मिले। डेवलपमेंट तो फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं। शायद अगर इन DDCs को सही मायने में एम्पावर किया जाएगा तो ग्रास रूट लेवल पे हम डेवलपमेंट का दौर जो है दोबारा शुरू होते हुए देख पाएंगे। उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस काफी गालियां दी जाती है, आज हमारे प्रॉफिट पे गालियां दी जाती है, आज ये कहा जाता है कि मैं मानता हूँ आप क्या कह रहे हो, लेकिन जिन जिन चीजों का आपने जिक्र किया जी, उनमें कहीं पे भी आईन आपको इन चीजों की इजाजत नहीं देती। तो जो लोग ये कर रहे हैं वो आईन के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। मैं मानता अगर ये सारा कुछ जो हो रहा है आईन के तहत हो रहा होता तो मैं कहता ना आपका आईन बिल्कुल सही गलत है और इस आईन को मानना नहीं जाना चाहिए। जो जिन जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया वो सब चीज़ें गैर कानूनी हैं और हम चाहते हैं कि कानून का जो है इस्तेमाल करके इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। चाहे वो लोग जो कुरान शरीफ के खिलाफ उंगली उठा रहे हैं, वो भी हमारे दरमियान में सही, वो गैर मुसलमान नहीं था जिसने सुप्रीम कोर्ट में जाके हमारे कुरान शरीफ के खिलाफ मुकदमा किया, वो शिया इसका बोर्ड का चेयरमैन रहा है। तो हमें दूसरों की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमें अपने अंदर देख के पहले अपनी गलतियों का हमें एहसास होना चाहिए। उमर साहब मेरे कहने का मतलब ये किसी एक फर्द का नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का मुल्क है। आप एक आदमी का नाम ले रहे हैं, वो एक आदमी भी इन 130 करोड़ लोगों के ही की नुमाइंदगी करेगा और इन 130 करोड़ लोगों के कहने के मुताबिक ही चल सकेगा। तो हमें इस बात पर नहीं रहना चाहिए ये किसका हिंदुस्तान है या किसका नहीं है, ये हिंदुस्तान उन 130 करोड़ फर्दों का है और हमें उसको मान के चलना चाहिए। उमर साहब, लद्दाख क्राइसिस को आप कैसे देखते हैं? लद्दाख क्राइसिस में अभी ये बोला जा रहा है कि कैंसिलेशन ऑफ डोमिसाइल और हमें PRC दे दी स्टेट सब्जेक्ट, और दूसरा ये कि हमने हमेशा लद्दाख के लोगों को कहा था कि आपका भला और आपकी बेहतरी जम्मू कश्मीर के साथ है, उन्होंने माना नहीं। हम उनको हमेशा कहते आ रहे थे कि देखिए जब आप जम्मू कश्मीर से अलग हो जाओगे बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। बदकिस्मती से हमारी ये बात अब सही साबित हो रही है। चलिए, शुक्रिया।